दाल ढोकली बनाने के लिए मैंने गैस पर एक कुकर रख दिया है। अब ये मैंने दाल ली है, ये आधा कप दाल थी, इसको मैंने धोकर इसको आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। अब हम इसको कुकर में डाल देंगे। 1.5 कप पानी हम इसमें डालेंगे, ये 1 कप और ये आधा कप होगा। अब इसको हम पका लेंगे 1-2 सीटी आने तक। दाल हमें अच्छे से गला के पकानी है, इसलिए 2 सीटी हम इसमें आ जाने देंगे। जब तक हमारी दाल पक रही है तब तक हम उसके लिए डो तैयार कर लेते हैं ढोकली के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसमें ये 3/4 कप मैंने गेहूं का आटा ले लिया है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून बेसन ले लेंगे, ये आधा छोटा चम्मच अजवाइन है, इसको मैं क्रश करके ऐसे ही इसमें मिला दूंगी। अब हम इसमें मिर्च डालेंगे, मिर्च भी हमें 1/4 टीस्पून चाहिए, 1/4 टीस्पून हल्दी, अमचूर पाउडर 1/4 टीस्पून। अब हम नमक डाल देंगे इसमें 1/2 टीस्पून। अभी हम इसमें 1 चम्मच ऑयल भी डालेंगे। अब इसको हम एक टाइट आटा लगा लेंगे, जितना रोटी का हम बनाते हैं उससे हमें थोड़ा सा टाइट रखना है। तो ये थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक आटा लगा लेते हैं। ये मैंने इसका एक टाइट आटा देखिए ऐसे लगा लिया है, ना ये तो बहुत सॉफ्ट है और ना ही एकदम से सख्त है, लेकिन थोड़ा रोटी से ज्यादा सख्त होगा। अब इसको हम एक साइड रख देंगे। अब हम तैयारी करेंगे अपनी स्टफिंग की। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने ये 2 बड़े साइज के आलू ले लिए हैं, इनको हम मैश कर लेंगे। और इसमें हम 1/2 कप उबला हुआ मटर भी डालेंगे, फ्रोजन मटर आप ले सकते हो, और इनको अच्छे से मैश कर लेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले भी मिलाएंगे। तो सबसे पहले हम मिलाते हैं इसमें नमक। नमक हम स्वाद अनुसार या थोड़ा सा मिलाएंगे, क्योंकि अभी और चीजों में भी नमक पड़ेगा। 1/4 छोटा चम्मच ये लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 ये हल्दी और 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला। अब इसके बाद हम इसमें ये कटा हुआ धनिया और 1 कटी हुई हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे और इनको फिर से हम अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा ऑयल भी हम इसमें अब डाल देंगे और इसको हम मिला के इसके छोटे छोटे गोले बना लेंगे। ये देखिए ये छोटे छोटे, ये हमारी स्टफिंग हो जाएगी। इस तरह हम सारे गोले बनाकर रख लेंगे। ये मैंने सारी स्टफिंग जो थी उसका जो है ऐसे ही गोला गोला बना लिया है। अब हम इसको फिल करेंगे जो हमने डो बनाया है उसमें। ये जो हमने डो लगाया था इसको हम थोड़ा सा हाथों से एक बार और मसल लेंगे। अब हम तैयार करेंगे इसकी छोटी छोटी गोलियां। ये एकदम से ये छोटे छोटे हम इसके ऐसे ही पेड़े बना लेंगे। इस तरीके के सब मैंने सबके पेड़े बना लिए हैं। अब हम इसको बेलन से ऐसे पतला बेल लेंगे
और एक स्टफिंग हम लेंगे और इसके बीच में ऐसे रखेंगे और इसको साइड से ऐसे ऐसे प्लेट्स बनाते हुए हम कवर कर लेंगे, ये ऐसे, ये देखिए। इसी तरह हम दूसरा भी बना लेते हैं। ये मैंने दूसरी भी बेल के रखी है, इसमें हम बीच में ऐसे रखेंगे और ऐसे साइड से उठाते हुए ऐसे छोटी छोटी प्लेट्स बनानी है और फिर सारा हम बीच में ले आएंगे ऐसे, बिल्कुल जैसे आप मोमोज बनाते हो, अगर आपने बनाया हो तो वैसे ही ये बनेगा। इस तरह हम सबके बना के रखें। ये मैंने सारी रोटी बनाकर तैयार कर ली है। फाइनली अब हम दाल तैयार करेंगे अपना, तो उसके लिए मैंने एक पैन जला लिया है गैस पे और इसकी फ्लेम भी मैं ऑन कर देती हूँ। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून घी। आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पर घी यूज कर रही हूँ, तो ये 2 टेबलस्पून मैंने इसमें घी डाल लिया है। अब हम इसे थोड़ा गर्म हो जाने देंगे। जब तक घी गर्म हो रहा है तब तक मैं इसमें कुछ मसाले जो पड़ेंगे वो बता देती हूँ। तो इसमें थोड़ा सा जीरा यानी आधा चम्मच जीरा है और ये एकदम थोड़ा सा आप देख सकते हो, ये मेथी का दाना है, ये सरसों के दाने आधा चम्मच, ये 4-5 लौंगे ली हैं, 4-5 काली मिर्च और ये दालचीनी का टुकड़ा और 2 ये लाल खड़ी मिर्च मैंने ले ली है और करी पत्ता भी इसमें जाएगा। और इसके लिए मैंने एक पेस्ट तैयार किया है, ये टमाटर का। इसमें 3 मीडियम साइज के टमाटर, 1 मिर्च और 1 टुकड़ा अदरक का गया है, इसको मैंने पीस लिया है, ये हम इसमें यूज करेंगे। तेल गरम हो गया है, अभी मैं इसमें सारे मसाले डाल देती हूँ। फ्लेम हम अब जो है लो कर देंगे। ये मसाले सब मिला देती हूँ अच्छे से। मसाले भून गए हैं, अब फटाफट से हम इसमें अपना टमाटर वाला पेस्ट डाल देंगे। फ्लेम लो ही रखेंगे। अब हम इसमें कुछ और मसाले ऐड करते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे ये 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, लाल मिर्च आप स्वाद के अनुसार डाल लीजिए, 1/2 चम्मच ये धनिया पाउडर, गरम मसाला 1/2 चम्मच और ये नमक मैं स्वाद के अनुसार इसमें डाल दे रही हूँ। थोड़ी सी हींग भी इसमें हम ऐड करेंगे, ये तो मैं 1 पिंच के लगभग मैं इसमें हींग ऐड कर दी है। अब हम ये अच्छे से मिला लेंगे। हम इन मसालों को तब तक पकाएंगे जब तक ये जो है किनारों से ना ऑयल ना छोड़ने लगे। तब जब आपका मसाला एकदम थिक हो जाए और साइड साइड से ऑयल निकलने लगे तो समझिए कि आपका मसाला पक गया है। इसमें कम से कम हमें 15 मिनट तो लगने ही वाले हैं। आप इसको मीडियम आंच पे ऐसे ही पकाते रहिए और चलाते रहिए। अब ये ना मसालों तो देखिए तेल अलग होने लगा है, मतलब कढ़ाई हमारी छोड़ दी है ये मसालों ने। ये देखिए ऐसा हो जाए तो समझिए कि आपके ये मसाले पक गए हैं। अब हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। जो स्टार्टिंग में मैंने दाल बनाई थी उसी में मैंने ब्लेंडर चला लिया है, जिससे ये दाल एकदम स्मूथ हो गई है। अगर ब्लेंडर नहीं है तो आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं। इन दालों को मैंने पहले अच्छे से मिला लेना है। अब इसमें हम डालेंगे गुड़। गुड़ ये मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। दाल ढोकली थोड़ा सा वो खट्टी मीठी जो स्वाद आता है ना तो ही अच्छी लगती है। आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको नहीं मीठा पसंद है तो फिर आप बिल्कुल भी स्किप कर सकते हैं इसको। अब मैं इसमें डालूंगी नींबू, 1/2 नींबू मैंने इसमें ले लिया है और उसी का रस जो है ये निकाल लिया है। नींबू की जगह इमली का पल्प भी हम 1 स्पून यूज कर सकते हैं। इस समय मेरे पास पल्प रेडी नहीं था तो फिर मैंने नींबू डाल दिया, तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है कि आपको नींबू डालना है कि इमली का पल्प डालना है।
लेकिन कुछ भी डालिए, स्वाद बहुत अच्छा आएगा। अभी इसमें हमें नमक भी ऐड करना है, क्योंकि नमक हमने दाल में डाली नहीं थी, बाकी चीज़ों में पड़ा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन हमने फाइनल और थोड़ा डालना है। आप टेस्ट करके डालिए कि कितना आपको इसमें लगेगा। मैं भी अभी इसमें थोड़ा ही डाल रही हूँ, अगर मुझे बाद में कम लगेगा तो फिर मैं और भी इसमें ऐड कर लूँगी। अब हमें इसमें एक उबाल लाना है, तो जब तक इसमें उबाल नहीं आता रोगली नहीं डालेंगे। तो मैं इसको ढक्कन से ढक देती हूँ और फ्लेम को थोड़ा तेज करती हूँ जिससे कि उबाल जल्दी आ जाए, और फिर हम उसको धीमा कर देंगे। अभी मैंने इसमें पानी नहीं डाला अलग से, तो इसमें हम ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल लेंगे। ये मैंने एक कप अभी डाला है, और मुझे लगता है इसमें अभी आधा कप और जाएगा, तो ये आधा कप मैं और इसमें डाल देती हूँ। अगर आपको लगे कम है ज़्यादा है तो अपने अनुसार थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि जब आप बनाते हो तो कभी कभी मात्रा कम ज़्यादा हो जाती है। तो अब हम इसे ढक कर इसमें एक उबाल लाएंगे। अभी इसमें उबाल आने लग गया है, आप देख सकते हो। अब हम इसमें दाल ढोकली बनाई थी वो एक एक करके डाल देंगे आहिस्ते आहिस्ते। ये कंप्लीट मील है, तो आप इसको आप लंच में भी बना सकते हैं, डिनर में भी बना सकते हैं। इसके साथ कोई भी आपको मतलब ऐसा नहीं कि रोटी चाहिए, चावल चाहिए। सारी दाल ढोकली डाल दी है, और हम इसे कम से कम 10 मिनट तक पकाएंगे। इसके लिए हम इसको ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक पकाएंगे। दाल ढोकली को पकते हुए 10 मिनट हो गया है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं, ये जो पूरा हमने इसको 10 मिनट पकाया है ना, वो एकदम से स्लो फ्लेम पर ही पकाया है। ये पक गई। एक और पहचान है इसका कि ये जो जितनी भी हमने इसमें ढोकली डाली है, ये तो ये जब ऊपर आ जाए ना तैर के, पहले हम डालते हैं तो ये नीचे रहती है, फिर ये पकते पकते ऊपर आ जाती है, तो भी समझिए कि पक गया है। एटलीस्ट 10 मिनट तो हमें पकाना ही पकाना है। तो ये तैयार हो गई है। अब हम इसमें कुछ धनिया पत्ती डालकर इसे हिला लेंगे। अभी ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए, तो हम इसको सर्व कर लेते हैं एक बाउल में। ये इसको हम इसमें सर्व कर लेंगे। अभी ये थोड़ा पतला आपको लग रहा होगा शायद, लेकिन जब ये अभी थोड़ा रखा रहेगा ना, तो ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाएगा, क्योंकि हम एकदम से गर्म ही नहीं खाने लगेंगे, थोड़ा तो हमें इसे ठंडा करना ही पड़ेगा, तब तक ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। ये मैंने एक इसको बाउल में सर्व कर लिया है। अब हम इसमें कुछ धनिया के पत्ते भी काट कर और डाल देंगे ऊपर से गार्निशिंग के लिए। तो एकदम से तैयार है ये स्टफ्ड दाल ढोकली। जैसे मैंने इसमें आलू स्टफ्ड किए हैं, वैसे आप इसमें पनीर भी स्टफ्ड कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको आलू चाहिए, पनीर चाहिए, या कुछ और जो भी आपके मन में कुछ वेजिटेबल्स हो उनको मिक्स करके थोड़ा सा पका के वो भी ऐड कर सकते हैं। तो आपकी स्टफ्ड दाल ढोकली तैयार हो जाएगी। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। आप भी बनाइए इसे और बताइए कैसी बनी है।